जय श्री राम नमः शिवाय नमो हरिहंतान नमो जेतान नमो आयान नमो मच्छान नमो वंदे नमः गाथा नंबर 15 पढ़ेंगे हम स्पष्ट आनंद अविशेष और जगह नहीं होने के कारण वहां जो शब्द लिए थे उनको रिपीट नहीं किया है, लेकिन वो गर्भित है क्योंकि पिछली गाथा में आ चुका है। यहाँ पर उतने शब्द शब्द नहीं आए, लेकिन अपन ने कहा सब शब्दों की चर्चा की। इसका मतलब है अपन ने इस टीका की किस लाइन का अर्थ कर लिया, कौन सा जो यह अवध स्पष्ट अनन्य नियत अविशेष असंयुक्त ऐसे पांच भाव स्वरूप आत्मा की अनुभूति है, वह निश्चय से समस्त जिन शासन की अनुभूति। इस लाइन का अर्थ कल चल गया, नाम अपने 14 नंबर की गाथा ली थी लेकिन बात तो इसी की थी। द्रव्यानुयोग है इसलिए अपने को ऐसा अनुभव करो और अन्य जीवों को ऐसा अनुभव करोगे तो चरणा नियोग बन जाएगा। विश्व में तुम्हें गुस्सा आता है इसलिए कि बहुत गुस्सा करता है, तुम्हें गुस्सा इसलिए आता है कि इसे बहुत गुस्सा आता है, तुम्हें इस बात की चिड़ है कि ये बहुत चिढ़ता है, मतलब तुम्हारा विकार इसके विकार को देखकर होता है। उसका समाधान यही है कि तुम अपने आप को भी विकार से रही जानो और उसको भी विकार से रही जानो। तुम्हें निर्विकार हो ना, उसे विकार से रही देखो तुम निर्विकार हो जाओ, पॉइंट। उसे निर्विकार करने की गारंटी नहीं दे रहे, उसको निर्विकार देखोगे तो तुम निर्विकार हो जाओगे। उसका विकार मिटाने की जिम्मेदारी उसकी है। यदि ये गुस्सा करेगा तो मैं भी करूंगा तो फिर समझ लो तुम्हें आनंद काल में मोक्ष नहीं होना है। ये सुधरेगा तो मैं सुधरूंगा, ये तो आनंद काल में कल्याण नहीं होगा। विकार करने वाला जीव भी निर्विकारी है ऐसा देख करके तुम निर्विकार हो सकते हो। कैसे हो जाएंगे बोले, परसों रात में कहा था पर्याय तस समय की योग्यता से होती है, भवितव्य में प्रमाण होती है। इसका इस समय ऐसा ही भवितव्य है, तो इसका वर्तमान भवितव्य मत देखो, ये भविष्य विश्वविद्यालय में चला जाएगा विकार मिटा के। लेकिन तुम इसका वर्तमान विकार देखते रहोगे तो तुम्हारा भवितव्य खराब होता चला जाएगा। मैं मर गया और वो सुधर गया, उसकी गलती देख के ही तो मैं मरा था लड़ झगड़ करके, और वो सुधर गया उसका भवितव्य बढ़िया हो गया, मोक्ष चला गया, तो हमें क्या फायदा हुआ।
इसका मतलब मुझे पूरे विश्व को नहीं सुधारना है। पर्याय का निर्णय करो, परसोनाथ की भाषा पर्याय का निर्णय करो। पर्याय तस समय की योग्यता से होती है, भवितव्य प्रमाण होती है। उसका भवितव्य जल्दी आना होगा तो जल्दी सुधर जाएगा, भवितव्य देर से आनी तो देर से सुधरेगा। इसमें मैं तो समर्थ हुई नहीं, मैं स्त्री पुत्रादि को सुधारने में मैं तो समर्थ हुई नहीं, आगे बोलो। लेकिन स्त्री पुत्रादि भी स्वयं को सुधारने में समर्थ नहीं। क्या कहा? स्त्री पुत्रादि को, मित्रों को, शत्रु को, किसी को भी। संतान से मुए होता है, इसलिए सारी जिंदगी संतान को सुधारने की चक्कर पड़ गई। और नहीं सुधरना तो नहीं सुधरता, सुधरना तो सुधर भी जाता है। और सुधर जाता है तो इसका अहंकार हो जाता है कि मैंने सुधार दिया। और नहीं सुधरता तो इस बात का अहंकार करता है कि मैं सुधार नहीं पाया। अहंकार दोनों में करता है, काम कर लेता है, काम कर नहीं लेता है, काम हो जाता है तो कर्तव्य का अहंकार करता है। और काम नहीं कर पाता, नहीं हो पाता, होने की बात हो नहीं, नहीं हो पाता है तो मैं क्यों नहीं कर पाया, इस बात का अहंकार करता है। मैं दीनहीन पामर संसारी हूं, मैं क्यों नहीं कर पाया, मैं चाहता तो समझा देता, मैं चाहता था ऐसी बुद्धि पहले नहीं आई, नहीं तो मैं समझा देता, इतना अच्छा विचार पहले नहीं बताया, नहीं तो मैं सुधार देता आपको। सब 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 तीन बार कह के व्यर्थ। केवली भगवान सुनो, केवली भगवान के केवल ज्ञान से भी कोई नहीं सुधरा आज तक। जिनमें सुधरने की योग्यता थी वे सुधरे। क्या कहा? केवली भगवान के केवल ज्ञान से कोई नहीं सुधरा आज तक। उनकी रेनी बेकार चली गई, बेकार नहीं चली गई। जिनमें सुधरने वाले थे उन्हें सुधरने में निमित्त हुई, बस इसलिए हुआ। सूरज के प्रकाश में लोग सोलर एनर्जी से भोजन भी पका लेते, रास्ता देख के भी चलते हैं और चोरी भी करते हैं। तो सूरज से निकलना व्यर्थ है, काहे का व्यर्थ है? जिन्हें भोजन बनाना तो भोजन बना लिए, जिनको देख के चलना तो देख के चले, व्यर्थ कुछ नहीं हुआ। विश्व में एक भी पर्याय निरर्थक नहीं है। क्या कहा? क्या कहा? विश्व में एक भी पर्याय निरर्थक नहीं। अरे वाह, इनकी क्रोध की पर्याय निरर्थक नहीं, ये उसके लिए तो सार्थक ही है। महर्षि को आदिनाथ भगवान का विरोध करने का भाव सार्थक है। 24 नंबर पे जाना है ना, तो सार्थक हुआ कि निरर्थक हुआ? यदि अभी सुधर जाता, अभी सारा काम कर लेता तो फिर मोक्ष कैसे आता 24 नंबर पे? विश्व में एक भी पर्याय निरर्थक नहीं होती। मैं तुम काम टेंशन कर रहे हो पापा, कई बार ऐसा था पिताजी को बच्चों की चिंता रहती है और बच्चों को पापा की चिंता रहती है। पंडित जी मुझे पापा की बहुत चिंता है, उन्होंने बहुत मेहनत की, बहुत दुख उठाया है, मेरे लिए भी बहुत किया है, मुझे लगता है कि ये सुखी हो जाए। और पापा को लगता है कि बेटा हमें बहुत दुख देंगे तो भी सुखी हो जाए। जी उन्हें देख के दुखी है, वो इन्हें देख के दुखी है, बचने का क्या उपाय है? एक भी पर्याय लेट नहीं आती। क्या कह रहे? एक भी पर्याय विलंब से नहीं आती। तीन कार की एक भी पर्याय, रेलगाड़ी तुम्हारी आगे पीछे होती है? आगे पीछे तुम कहते हो आती तो सही समय पर ही है, नहीं समझ में आया? तुमने टाइम सेट कर दिया ना, इतने बजे आएगी, इसलिए तो क्यों सूरज कभी लेट आता कभी जल्दी आता है। बोला तुमने काय से नापा लेट आता है? तुमने अपने अपने ज्ञान से नापा? सूरज करोड़ों वर्ष बीत गए, वो अपने समय से ही आता है, अनादिकाल से समय पे ही आता है। ये तो कैलेंडर तुमने उसे देख के बना दिया। फिर देखा है आपने पंचांग वगैरह क्या है? 100-100 साल के पंचांग में सूर्योदय की तिथि है और सूर्यास्त की तिथि है। एक एक महीने में एक दो दो मिनट, तीन तीन मिनट, चार चार मिनट, आधा मिनट, कहीं कहीं कोई मिनट का अंतर नहीं होता। तो वो कैलकुलेशन करके लिखा रखा है। पढ़ो आज का अखबार, आज का सूर्यास्त कितने बजे हुआ लिखा है।
एक साल बाद इतनी तारीख को सूर्यास्त कितनी बजे होगा वो लिखा है। अब मैं पूछ रहा हूँ, सूर्यास्त लेट होता है या तुम अपने एंगल से लेट और जल्दी कहती हो? बीच में एक भी पर्याय आगे पीछे नहीं होती, समय से होती है। इतनी में क्यों कह रहा हूँ इसको बात, क्योंकि इसी से तो हम निश्चिंत हो गए। तुम्हें अपने बच्चों की चिंता है, बेकार है चिंता। तुम्हें अपने पापा की चिंता है, बेकार है चिंता भी कर। तो फिर भी चिंता है वो सार्थक है तुम्हारी चिंता क्या? दिमाग में पड़ गया तुम्हारे लेट नंबर आने वाला है। लेट होने वाला क्या करेगा? सनावत में आग लग गई, सनावत में आग नहीं लगी, घर में आग लगी। सनावत में घर में आग लगी, मोक्ष मंडल की बच्ची। अब वो सबसे पहले जिस महिला ने देखी ये आग लगी, उसने फटाफट सबको जगाया, बाहर चलो जल्दी करो, सबको बाहर कर दिया। फिर उसने सोचा एक रुपए का पर्स रह गया हो, बहुत उठा लू जल जाएगा, एक सेकंड में उठा लूंगा, एक सेकंड। और अंदर गई, तिजोरी चाबी खोली, फटाफट जो नोट वोट निकालने कुछ कर रही थी, इतने में आग बढ़ के सारों से आ गई और उसकी साड़ी में आग पकड़ ली और वो वही जल कर आ गई। क्यों जल के मर गई वो? पैसा बचा लू, इनके काम आएगा, उनके काम आएगा, जी काम आएगा, वो काम, इस चक्कर में जल के मर गई। और चीख भी नहीं पाई, चीख भी क्यों? कि वहां धुआं भर जाता है, जहां आग होती है वहां ऑक्सीजन खत्म होती जाती है, धुआं भर जाता था, दम घुटा। अब दम घुटे में निकालने के चक्कर में बेहोश हो गया, एक सेकंड में गिरी। तुम एक एक क्षण कीमती है, दम घुटेगा तुम्हारा। विश्व में किसी की भी चिंता मत करो, यह है निर्विकल होने की विधि। लोग पूछे मेडिटेशन की विधि बताओ, ध्यान की विधि बताओ, सम्यक दर्शन की विधि बताओ, सामायिक की विधि बताओ, चारों की यही विधि है, चारों की यही विधि है। विकल्प आता है तो एक ही प्रश्न, एक ही लॉजिक है जोरदार, ये बताओ। जैसे मान चलो इतना सा बच्चा होता है, इतना सा बच्चा, तो मम्मी रोज रोज परेशान हो जाती, कभी रोता है, कभी पढ़ाई करानी पड़ती है, कभी लेटरिन बाथरूम करता है, कभी मोहल्ले में तूफान करके आता है, बहुत हैरान करता है। तो मम्मी एक ही माला फेरती, तू जल्दी बड़ा हो जा, जल्दी बड़ा हो जा। तो कितनी चिंता करे, कितनी टेंशन करे कि जल्दी बड़ा हो जाए, बोलो बोलो क्या करे? जब भी इतने से बच्चे को देखती हूँ टेंशन, कभी पिटाई करे, कभी खींचे, कभी दवाई दिलवाए डॉक्टर के पास ले जाए, डॉक्टर साहब इसको दवाई दे जल्दी बड़ा हो जाए, कोई विधि है? तो आप सही बताए ना, बच्चे की बड़ी करने का विकल्प तो आता है, लेकिन वो विकल्प आपको निरर्थक नहीं लगता? आखिर निर्विकल्प कब होते हो फिर? भाई देखो अब समय से ही बड़ा हुआ, आप कह के देखो, अपने रिश्तेदार से कह के देखो कि भाई हमारा बच्चा बड़ा नहीं हो रहा, मुझे बड़ी टेंशन है, जल्दी बड़ा हो जाए, इसी कोई विधि बताओ। क्या जवाब है तुम्हारा बोलो? यदि कोई आपसे पूछे हमारे बच्चे को जल्दी बड़ा कर दो, रोज रोज हैरान करते हैं, इतना सा है, बहुत परेशान होते हैं हम लोग, बड़ा कर दो, तो क्या जवाब है, क्या दवाई है उसके लिए? कि भाई 25 साल का लड़का 25 साल में 25 साल का होगा। विकल्प तो आते हैं, मैंने देखा है, मैंने देखा है, घर घर में बच्चे छोटे छोटे होते ना तो मम्मी मार भी देती है और फिर दुखी होकर कहती जल्दी बड़ा हो जाए। कब तक हैरान करेगा तू? रात को बच्चे ऐसे हो जाते हैं जब उनके दांत निकल आते ना, तो दिन भर तो सोते रहेंगे और रात को जगेंगे, रात को किलकारी मारेंगे, रात को रोएंगे गाएंगे, रात को दूध पीना है, रात को दांत दर्द हो रहा है, जो भी रात को रो। तो अम्मा को लगती दिन में रो लेती, रात को तू सो जा और सोने दे। देखो बच्चा तो सुनता नहीं, पता भाई क्या करना चाहिए, इस उपाय क्या उपाय इसका? कि भाई जो पर्याय आ रही है वो सही समय पर आ रही है। मैं यदि कहना तुम्हें यदि विकल्प आता भी है तो निरर्थक लगता है कि सार्थक लगता है? बोल
वो विकल्प आता है तो निर्थक ही लगता है। तो हमें तुमसे यही कहना है, पंडित जी आजकल मैं बहुत टेंशन में डूबा हूँ। बोले क्यों? मुझे मम्मी पापा की बड़ी चिंता। तो क्या कर लोगे तुम, क्या कर लोगे? बोलो, कृष्ण को और बलराम को अपने माता पिता की बड़ी चिंता थी, फिर क्या कर लिया? अरे भी नहीं कर पाए, मैं करूंगा। ठीक है, समझ गया। हूं करूं ये अज्ञानता सकट नो भार जेम स्वांता निंतान तरह जाओ, कुत्ता बनो, कुत्ता बन गया, सोचते रहो। खत्म। काय की विधि बता रहे हैं, निर्विकल्प होने की विधि। अपने को ऐसा देखो द्रव्यानी, दूसरों को ऐसा देखो चरणानी, दोनों का फल सामय समता भाव, दोनों का फल निर्विकल्प स्वानुभूति। निर्विकल्प होने की यही विधि है, इसके सिवा कोई विधि नहीं। सीधे बैठ, सीधे, यही निर्विकल्प होने की विधि, इसके सिवा कोई विधि नहीं। नहीं तुम करके बता दो, तुम निर्विकल्प होने की विधि क्या करते हो? बोलो पंडित जी, एक विकल्प बहुत सता है, 25 साल का हो गया, मैं शादी नहीं हुआ, तो निर्विकल्प हो गया शादी कर। क्या होता है पंडित, बड़े परेशान थे निर्विकल्प होने के लिए, निर्विकल्प हो गए, बहुत कमा, एक मकान बनाने का बहुत विकल्प सता रहा था, मकान बनाने फिर निर्विकल्प हो गए, कपड़े खरीदने का विकल्प, मकान फर्निश करने का विकल्प, फला का विकल्प, बोलो अपनी बच्ची को हायर पढ़ाई कराने का विकल्प, फिर अब हो गए निर्विकल्प, हायर पढ़ गई हो। जैन समाज की मोक्ष लड़का लड़की डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए, मैंने बड़े बड़े लड़कियों की बात कर रहा हूँ खास तौर से, अब बन गए। अब वो कह रहे मोक्ष को लड़का नहीं मिलता, लड़का कैसे नहीं मिलता, लड़का तो बहुत है, हम थोड़ी है लड़का। नहीं, जितनी ज्यादा पढ़ाई कर ली उसी लेवल की पढ़ाई वाला लड़का चाहिए, उस लेवल के तो कॉलेज बहुत मिल जाएंगे, इंटर कास्ट तो मिलेंगे, क्यों सेम लेवल की जहां पढ़ते वहां सेम लेवल की होती है, इसलिए लड़के नहीं मिलते। हर एक की पीड़ा है, इंजीनियर बन गई लड़की तो इंजीनियर लड़का चाहिए, अरे शास्त्री मिल जाए क्या दिक्कत, हे शास्त्री तो तुम काहे के मामा छू, काहे के साथ जाए, नहीं दृष्टांत है। कहने का मतलब ये है कि वो सोचे ही, तुम निर्विकल्प होने के लिए कितने आफत में फंस गए, ये कह रहे हैं। अब लगा लेना आप क्या कह रहे हैं, अपने को अबद्ध स्पष्ट देखने वाला और दूसरों को अबद्ध स्पष्ट। कल रात तक अपने को देखने में घटाया था, आज हमने दूसरे में घटा रहे, क्यों? क्योंकि तुम्हें पर के लक्ष्य से विकल्प आते, इसीलिए तो आते हैं। पंडित जी आठ कर्मों से बंधा है, कौन बंधा है बताओ, हाथ खड़ा करो, कौन कौन बंधे, कौन बंधा है आठ कर्म से बंधे तुम? तो अपने को भी अबंध देखो, उसको भी अबंध देखो, तो निर्विकल्प हो गए बस, क्यों? दो मुक्त आदमी चले जा रहे, उन्हें अपने बारे में विकल्प करेंगे, उसका विकल्प करेंगे, कौन बंधा दोनों में से? बंधे ही नहीं ना, दोनों मुक्त जा रहे हैं। आत्मा को ध्यान से सुनना, आत्मा को बांधने में कोई समर्थ नहीं है, ये खुद बंधन अनुभव करने में स्वयं 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 समर्थ है। कुछ कह गए हम, क्या कह रहे, आठ कर्म ने इसे नहीं बांधा, उसकी उसमें दम नहीं है जो आठ कर्म इसे बांध दे रहे, लेकिन ये स्वयं बांधने में समर्थ है, मैंने अनुभव करने में समर्थ। बंधन है या बंधन का अनुभव है, बोलो, बंधन है या बंधन का अनुभव है? आठ कर्मों ने बांधा नहीं, शरीर ने बांधा नहीं, बोलो, ये शरीर तुम्हें लड़का अनुभव करने के लिए बाध्य करता है, बोलो। जो लड़का होकर के भी लड़की बन जाती है, आजकल ऑपरेशन करवाते हैं, तो बताओ वो पहले लड़की अनुभव करता था तो ऑपरेशन कराया, या लड़की बनने के बाद अपने को लड़की अनुभव करता है? वो लड़का पहले अपने लड़की मानता था, अनुभव करता था बारंबार, इसका मतलब इस शरीर ने तुम्हें बाध्य नहीं किया, जी कहना है ना? कितने दर्शन चाहिए वो? ये देह है, इसने तुम्हें नहीं बांधा, इसने रात्रि की भाषा में बोले सुबह तक नहीं है, आत्मा के चैतन्य धन को
असंख्यात प्रदेश ही अमूर्तिक सत्ता को छुआ भी नहीं है। और तुम जब जब इस शरीर को देखते हो तो मैं लड़का हूं, मैं पुरुष हूं। और एक घड़ा उल्टा रखा सो ही उल्टा होने लगता सारा सारा। अब शादी करना है, अब बच्चे करना है, अब मकान दुकान करना है, अब घर गृहस्थी चलाना है, मैं चलाते चले जा। दृष्टांत सुना होगा आप लोगों ने, शादी के बाद बन जाते कि नहीं बन जाते? बोलो शादी के बाद बन जाते कि नहीं बन जाते? बोलो कैसे कैसे बन जाते हो? तुम्हें तो छुट्टे बैठे, वो घर में बैठे, हाँ बंदे बता, उसको सिर दर्द होता तुम्हें कुछ नहीं होता, तुम्हें सिर दर्द होता उसे कुछ नहीं होता, छुट्टे पे बैठे हो क्यों? भले ही तुम कहते हो सांस छींगे सांस मरेंगे, कितने लोग सांस मरे? अरे बोलो कितने लोग सांस जिए? तो स्वतंत्र है तो सही सर, तेरा खाना स्वतंत्र, तेरा पीना स्वतंत्र, तेरा सोचना स्वतंत्र, तेरा जीना स्वतंत्र, मरना स्वतंत्र, हर चीज तो स्वतंत्र है। बस एक सम्यक दर्शन की बात आई, अब हम तो बंदी। बोलो विकल्प करने में स्वतंत्र नहीं होते स्वतंत्र? मैंने 24 घंटा स्वतंत्र जी कहना है? आहा अपने को भी स्वतंत्र अनुभव करो, सामने वाले को भी स्वतंत्र अनुभव करो। अनुभव करो स्वतंत्र है, स्वतंत्र अनुभव करना सीख जाओ बस, अब आप निर्विकल्प हो जाओगे। तुम्हारे 10 टाइम 10 तुम्हारे कितने बच्चे? 2 की 1 बहुत कम है, 10-25 तो हो। हे पंडित जी आप कैसी बात कर रहे, एक भी तो है ना। अब कल्पना करो तुम्हारे 56,000 बच्चे हो तो क्या होगा? हे मैं तो दब के मर ही जाऊंगा। आज कल्पना में दब के मर रहे, इसको क्या लग रहा है? सब मेरी छाती पे, ये बच्चा मेरी छाती पे, 2 बच्चे मेरी छाती पे, 4 बच्चे मेरी छाती पे, मूंग गल रही। कहां दल रहे मूंग बता, कहां दल रहे? मैं तो इसलिए कह रहा हूँ ग्रस्त आदमी मिथ्या दृष्टि हो तो ये कहा बच्चों की जिम्मेदारी लेके, माता पिता की जिम्मेदारी लेके हैरान हो जाता है ना। 56,000 मुनिराजों का संघ था, एक आचार्य परमेश्वरी थे। अभी आचार्य परमेश्वरी इतने निर्भर थे कि जिस दिन रावण की मृत्यु हुई उसी रात को उन्हें केवल ज्ञान हो गया। नहीं पढ़ ले आना पदम पुराण में दिखाऊंगा, दिखा। जिस दिन रावण की मृत्यु हुई लंका के बाग में, बगीचे में, बगीचे के बाद वन में 56,000 चारणनीतिधारी मुनिराज पधारे थे। क्योंकि इस समय मार्केट था ना यहाँ पे दीक्षा लेने वालों का, अगले दिन दीक्षाएं होनी थी तो वे आए तो उन्हें सब पता था कि कल दीक्षाएं होनी थी सब कुछ, लेकिन उन्हें ये भी विकल्प नहीं दीक्षा कौन देगा, ये 56,000 का क्या होगा, आचार पद तो दे दूं कम से कम, तो आचार पद देने का भी विकल्प नहीं, लेने का भी विकल्प नहीं। रात का टाइम सामाई में बैठे केवल ज्ञान मोक्ष, मोक्ष हुआ नहीं हुआ इतनी पता, केवल ज्ञान तो हो गया, मोक्ष नहीं हुआ केवल ज्ञान हुआ, केवल ज्ञान के बाद दीक्षा दी उन्होंने, आचार्य बनकर दीक्षा नहीं दी, अनंत बनकर दीक्षा। हजारों लोगों ने दीक्षा ली है लंका में उस दिन, हजारों। क्यों? आचार्य के पास तो भेज जाते 2-4 से, अनंत भगवान थे तो सब दिव्य ध्वनि सुनने आए। फिर सबने अपने अपने भाव पूछे, रावण की क्या हालचाल है, फला के क्या हालचाल है, उनका क्या हुआ, इनका क्या हुआ, सबने अपने जिनका विकल्प था। तो भगवान ने एक ही सांस, कल रात कल कहा था भगवान की दिव्य ध्वनि कैसे कहते हैं, एक ही समय में 3 काल की समस्याएं सॉल्व करने की क्षमता, सबको सबको बेरा गया। अरे अरे सब दीक्षा हो गया, हजारों लोगों ने दीक्षा ली। रावण की पत्नियों का सम्यक दृष्टि तो थी, वेद विज्ञान हो गया फटाफट, रोई नहीं और दीक्षा, दीक्षा के बाद समझ में आया, दीक्षा के बाद आदि का रो नहीं सकती, नहीं तो अब आदि का तो बन गई। अब रावण की याद आई, बेचारे टेम पे आ जाते रोटी खा भी, हम यहां से रोटी खवाते
मर गए, हमने तो बहुत समझाई, माना तो नहीं होती। सीता के पीछे पड़ गए, चूल्हे में जाए सीता जाने कहां से दिख गई। कोई भी कल कितना दिन भी कल भाई साहब, इसका नाम है सामाई। अभी तुम्हारे घर में ऐसा कोई केस हो जाए कि पति का चित्त किसी और में लग जाए, और अचानक वो महिला कई समय से लगी टॉप में मिली थी अलग अचानक, अब आपको बार बार क्या क्या घटना याद आई, कहां से मिल गई, कहां से चले, हमें ले ही आते समय सिगर तो अच्छी थी, ऐसा वैसा सौ विकल्प आएंगे। अभी जो आदिका बनी उन्हें क्या विकल्प, रावण की कितनी याद आ रही, रोना गाना कुछ स्पष्ट दिखाई दे रहा है केवल ज्ञान में। फिर से बोलो, पर्याय वाला पॉइंट बहुत जोरदार है, तीन काल की पर्याय सही समय पर होती है, तीन काल की पर्याय खचित है। क्यों, रावण का बुरा हुआ कि भला हुआ, अब भगवान की दिव्य ध्वनि उसी दिन खेरा मरने के बाद, अभी वह तीसरे नरक में गया है, परंतु आने वाले काल में जिस सीता को देख करके गया है ना, वही सीता का पुत्र बनेगा, और जे तीर्थंकर बनेंगे, और जे लक्ष्मण जिसकी चक्र से मारी गई, ये लक्ष्मण और सीता इसी के गड़दर बनेगा। क्या कमाल है, क्यों दोनों क्या इनके मन पर ज्ञान में झलकेगा गड़दर को। सीता गड़दर बनेगा ना, सीता गड़दर बनेगी, तो अपने मन पर ज्ञान केवल ज्ञान अवधि ज्ञान में नहीं झलकेगा, अवधि ज्ञान में जो ये वो पर इनको केवल ज्ञान में क्या चल गया। ये जो गड़दर है देवी धनी झेलने के लायक, क्या कमाल है, कौन है ये बोल जिसके चक्कर में हम लक्ष्मण के चक्कर से मारे, और दो ये तो याद है, देखो अपन गुरु बन जाए ऐसे कोई शिष्य आ जाए, अब आगे तुम दो देवी धनी झेलेंगे बड़े जाए। आप समझ रहे निर्विकल होने की विधि क्या है, कोई टेंशन नहीं, एक समय की पर्याय भूल जाने लगे, इसका नाम है पर्याय दृष्टि, मिथ्या दृष्टि है, हमें पर्याय दिखाई दे रहे, हमें भगवान दिखाई दे रहे। अब बता इतनी अच्छी दिव्य ध्वनि सुनने के बाद कौन रानी चिंता करेगी, और कौन रानी सीता से द्वेष करेगी, बोला सीता के जीव को भी खबर पड़ी तो मरणोपरांत वो सीता का जीव वहां से लक्ष्मण और उनके पास गए, जब रामचंद्र जी तो मोक्ष चले गए, हम क्या करें, कोई तो संगति होना चाहिए, कोई तो संगति होना चाहिए, तो कौन याद आए, अपने देवर और रावण, और जो काम नहीं करना चाहिए वो काम भी कर रहे, चलो हम तुम्हें ले चले स्वर, और दोनों को पकड़ के अपनी विद्याओं से और लेके ऊपर तक आए, लेकिन वो सीमा आती है सीमा, वहीं से छूट जाते हो, उसके आगे सिद्धि काम नहीं करती, वो निकाल नहीं पाती, वहीं गिर पड़ती, बारंबार प्रयास करती हो, इतना राग उत्पन्न हो गए, ले गजब हो गए, कौन से राग उत्पन्न हो रहा सीता को, जी है पर्याय की बलिहारी। मैं तो इसलिए कह रहा हूँ, देखो कहाँ केवल ज्ञान हुआ, कहाँ केवल ज्ञान में सबकी खबर पड़ी और सब द्रक्ष हो गए, कोई टेंशन नहीं, आप लोग यही तो टेंशन रहती, कई बार महिलाएं पूछती है पुरुष पूछते हैं पंडित जी हमारे भी बहुत ऐसे वैसे थे जैसे थे अच्छे थे, अब हमें जी जी विकल्प आ रहा है कहाँ गए होंगे, हम कहीं गए हो तुम जी सोचो कि कहीं ना मिले, सिद्धालय में मिले, क्या कह रहे महिलाएं पूछती, मैं यही जवाब देता हूँ क्या कि कहाँ मिलेंगे, कहीं ना मिले, सिद्धालय में मिले, इससे पहले कहीं ना मिले, ये भावना हमारा, नहीं नहीं आप पंडित जी आप बताओ कहाँ गए होंगे, अच्छी जगह गए आप चिंता नहीं कर रहे। सही जगह गए, बिल्कुल सही जगह, सही जगह में तो बहुत अच्छा उत्तर है, जिस लायक होंगे वही सही जगह गए होंगे, यहाँ की उन्होंने डिमांड की होगी, बहुत मजेदार। कई बार चल रही निर्विकल्प होने की विधि, सामायिक की विधि, जय सामायिक की विधि, और इसके सिवा कहीं सामायिक की विधि मिले तो बता दे, तो एक द्रव्यान युग में और इन गाथाओं की सेवा, इन गाथाओं में ग्रंथों में इसकी सेवा कहीं सामायिक की, ऊपर में सामायिक की विधि ये लिखेंगे, ऐसे करना चाहिए, ऐसे बैठना चाहिए, ऐसे बैठना चाहिए, खा पी के बैठना चाहिए, ज्यादा नहीं खाना चाहिए, बाल बांध लेना चाहिए, उड़े नहीं, हवा चले जाए ऐसा नहीं, मच्छर काट रहे हो तो पैर से ढांक ढूंक के बैठो, ये सब विधि उसमें लिखी,
ये विधि थोड़ी है, ये तो क्रिया है। विधि तो ये अपने को भी मुक्त जानो और सब जगत के सारे जीवों को मुक्त जानो। बहुत मजेदार है, इसने मुझे बहुत आनंद दिया है। संयोग का वियोग तो सबको ही होता है, संयोग ही सबको ही मिलते। तो मेरे जीवन में भी सब तरह के अच्छे बच्चे मिले, खराब भी मिले, खराब का भी वियोग हुआ और अच्छों का भी हो गया, जिन्हें मैं बहुत अच्छा समझता। दीदी अच्छे थे ही भी हो गए, इन इन गाथाओं में बहुत आनंद दिया, कोई टेंशन नहीं। मेरा रूल है रूल, आने वाले को मना नहीं, जाने वाले को मना नहीं। एक सेकंड में बोलो मैं जाऊं, चलो आ जाओ, आ जाओ, इधर मैं बहुत पापी हूं, जा पापी हूं तो क्या, आ जाओ, कोई बात नहीं, मैं कह नहीं सकता कब तक रहूंगा। मुझे पता तुम क्या कहोगे, तुम क्या कहोगे, जब तक रहने का जिसका जितना योग उतना ही रहेगा वो। है तुमने तो 25 साल की कही हो, जल्दी चले गए, तुम बेईमान हो, बेवफा हो, धोखेबाज हो, ये तो बेवकूफ, कैसे शादी नहीं हो तुमकी, शादी नहीं होती होते ना, बेवफा हो जाती लगे लगे फालतू की बातों में। इसमें क्या बेवफा है, एक भी आदमी बेवफा नहीं है, एक भी पर्याय बेवफा नहीं है, एक भी पर्याय धोखेबाज नहीं है। जिस पर्याय में जैसी योग्यता होती है वही काम होता है। क्या समझ में आया, तो समझ में आया, सामयिक का एक लक्षण है, उसे किसी से आसानी होती। कब सामयिक के कार्य में इसे ना आशा करने वाले सामयिक नहीं कर सकते, क्या कह रहे, आशा करने वाले एक्सपेक्टेशन वाले सामयिक कैसे करेंगे, कंप्लेंट करने वाले सामयिक कैसे करेंगे, तो बहुत लेट हुए यार, लेट कैसे हुए। इस मामले में मुझे सच कहता बहुत आनंद दिया, यदि मैं बता रहा हूँ ना तो बहुत, जैसे जिस तुम शाम को नहीं आ, तो मैं किसी से नहीं पूछा शाम को क्यों नहीं आया, ध्यान ही नहीं मुझे कौन आया कौन नहीं आया, मुझे नहीं पता, या मैं इस एंगे से बैठे कि कौन आया कौन नहीं आया, और लेट आए थे क्यों आए, जल्दी आए थे क्यों आए, अरे समझ नहीं आती सारे लोग, ये ऐसे कह रहे समय से आते हैं, ऐसे तो अनुशासन ही नहीं बनेगा, अरे अनुशासन चूल्हे में गया, हमारी सामयिक तो बनेगी। नहीं, हमारी सामयिक भंग नहीं होना चाहिए, यदि हमारी सामयिक भंग होगी तो ऐसा अनुशासन किस काम, क्यों आज प्रयोजन क्यों नहीं आता, विकल्प ही नहीं आता, रियली कह रहे हो, देख रहा भी नहीं होगा, उसका कारण है कि कोई कारण ही होता है जो नहीं आया, यदि कोई रुचि है तो बिना कारण नहीं रुकेगा, यदि हमसे प्रेम है और रुचि भी है, स्वाध्याय में मन लगता है, अब घर वो बीमार हो गया होगा, कोई एक्सीडेंट हो गया होगा, किसी को घर इलाज कराने ले गया होगा, कोई कोई काम होगा, नहीं आया इसका मतलब दुश्मन नहीं हो, बहुत बढ़िया बात है। घरों में झगड़े कैसे होते, क्यों मालिक और नौकर के बीच में यही झगड़ा है, तू लेट आया, तू रोज लेट आने की समस्या, तू मक्का आ रहा है, तो तुम सहस्त्रनाम सुनाते रहते हो उसे, फिर वो क्या तू बैंक गया होगा तो वहीं खड़ा हो गया होगा, तू ऐसे कर रहा होगा, तू मोबाइल चला रहा होगा, फिर सौ बात लगा रहे, तुम पहले ही समझ लो तुम्हें चाहिए ऐसा नौकर, नहीं चाहिए, तुम सोचो बीतना भी मिल जाए सो तो मिलेगा नहीं, मिलेंगे तो सब मोबाइल छाप, चैटिंग छाप, व्हाट्सएप छाप, तुम बोलो क्या करने, तुम मत रखो उतना ही कमाओ जितना तुम्हें जरूरत है, कुछ कह रहा हूँ समझ आ रहा है, रोजाना की प्रॉब्लम सुना रहा हूँ आपको, जितने जी तुम उद्योगपति दिखते ना तुम, ये रोज गाड़ी में बगते हैं ड्राइवर को, फला को मैनेजर को, इधर आओ, हाँ वो हिसाब किताब बस चेक करते रहो, अरे बस की नहीं है तो मत कर, बिल्कुल नहीं कर, जितनी बस की उतना कर, आशा नहीं कंप्लेंट नहीं, क्यों प्रत्येक प्रयास समय से होती है, तुम समझ जाओ, दूसरों पर आरोप मत लगाओ, घर घर के झगड़े सुना अब लगा दिया ना, आप जो जाओ जाओ, आप परेशान कैसे हो, इसी बात ये पर्याय समय पर नहीं आ रही, हम कह रहे तीन काल की सारी पर्याय समय पर ही आती है, ये समय का आधार है, आप सदा मजा करोगे, सदा मजा करने का आधार, सामयिक माने स्ट्रेस फ्री, सामयिक मतलब स्ट्रेस फ्री, अब स्ट्रेस फ्री कैसे हो,
इसलिए से कारण तो वही एक्सपेक्टेशन और कंप्लेंट, बहुत दुखी हो। बोले क्यों? पंडित 2 लाख में पर मंथ कमाता हूँ, 10 साल हो गए, 2 लाख से आगे बढ़ी नहीं गई, काय के लिए? काय के लिए? कभी तुम्हें इस बात की टेंशन हुई? पंडित जी मैं 2 साल से देख रहा हूँ, 25,000 में काम चल जाता, खर्चा बढ़ी नहीं रहा। कभी टेंशन होती इस बात की? खर्चा नहीं बढ़ रहा। जब खर्चा नहीं बढ़ रहा तो इनकम बढ़ाने की भी टेंशन क्यों कर दो? और बढ़ जाए तो तुम्हारा इसमें क्या लेना देना, और घट गया तो तुम्हारा क्या लेना देना? देखो आप तो आवाज 10 बजे देखोगे तो समता हो जाएगी। अब सब पॉइंट हम लगा लेंगे, अनन्य देखोगे, नियत देखोगे, अविशेष देखोगे, असंयुक्त देखोगे, सो ही तुम्हें समता हो जाएगी। अब मैं निर्विकल से संवेदन की ओर बढ़ रहे हैं ना, देखो आगे। वह निश्चय से समस्त जिनसासन की अनुभूति है। आपको अभी तो गप लग रही थी ना, जिनसासन की अनुभूति कैसे हो गई, द्वादशासन कैसे हो गया? देखो हो गया ना, चरणानि सिद्ध कर दिया, सामायिक सिद्ध कर दी, चरणानि सिद्ध कर दिया। आपको तो प्रतिक्रमण सिद्ध कर दी, आपको तो आलोचना सिद्ध कर दी, आपको तो प्रत्याख्यान सिद्ध कर दे, इसी में ही संवर सिद्ध कर दे, योग सिद्ध कर दे, निर्जर बोलो मोक्ष सब सिद्ध है। बता द्वादश आसन क्या पढ़ते हो तुम? बता, हम उसको यही सिद्ध कर देंगे। बोलो, इसलिए लिखा है कोई ऐसा ना समझे कि जी भाव अपेक्षा कह रहे, तो लिखा क्या है? भाव और द्रव्य दोनों स्रोत को जानता है, भाव स्रोत को भी जानता है और द्रव्य स्रोत को भी जानता है। ऐसे नहीं समझ, हाँ भाव 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 नहीं, भाव और द्रव्य स्रोत दोनों जानते हैं। क्या लिखा? समस्त जिनसासन की अनुभूति है, क्योंकि क्यों? क्योंकि स्रोत ज्ञान स्वयं आत्मा ही है। आत्मा को जाना तो सारा स्वरूप ज्ञान जानने में आ गया, और स्वरूप ज्ञान जानने में आ गया तो आत्मा ही जानने में आ गया, दोनों में कोई अंतर नहीं। स्वरूप ज्ञान है, देखो, क्योंकि स्वरूप ज्ञान है वो स्वयं आत्मा ही है, इसलिए ज्ञान की अनुभूति ही आत्मा की अनुभूति है। क्या बोला? ज्ञान की अनुभूति ही आत्मा की अनुभूति है। अब ज्ञान की अनुभूति की चर्चा करो, छोड़ा भी जा सकता है आपको तो, क्योंकि आपको ज्ञान की अनुभूति हो ही रही है। विश्व में कोई अनुभूति हो या ना हो, और सबकी अनुभूति बदल सकती है, लेकिन एक अनुभूति ऐसी है जो निगो से लेकर सिद्धालय तक कभी नहीं रुकती, विदाउट एनी ब्रेक। इसे ना तुम लड्डू की अनुभूति कर सकते हो, 24 घंटे कर सकते हो लड्डू की अनुभूति, क्या कर सकते हो? कर सकते हो, बोलो, लड्डू की, टीवी की कर सकते हो, किसकी कर सकते हो? बोलो, विश्व में एक भी पदार्थ ऐसा नहीं जिसकी अनुभूति 24 घंटे कर सकते हो, लेकिन एक ज्ञान की अनुभूति ऐसी है जो मिथ्या दृष्टि से लेकर सिद्ध भगवान तक सब करती है, निगोह से लेकर के सिद्धालय तक सब करती है। दृष्टांत, सरल दृष्टांत, सरल दृष्टांत देता हूं। अगर टेलीविजन देखते हैं, टेलीविजन का दे सकते हैं, लेकिन आपको हम थिएटर का दे देते हैं, टॉकीज का। टॉकीज का जो पर्दा है ना, पर्दा वो 24 आवर अनचेंजेबल है, उस पर चित्र बदलते हैं, उस पर चित्र बदलते हैं, लेकिन वो नहीं बदलते। ऐसे ही ज्ञान में तो सब झलकते हैं ना, लड्डू खाया कहां झलका? ज्ञान में। टीवी देखी कहां झलकी? जो सोचा कहां जलगा? ज्ञान में। माने वो ज्ञान का पर्दा तो नित्य ही है, इसलिए ज्ञान की अनुभूति नहीं रुकती, उसे कोई रोक नहीं सकता। अभी प्रवचन का आनंद ले रहे कि ज्ञान का आनंद ले रहे? बोलो, प्रवचन का आनंद ले रहे कि ज्ञान का? अब सम्यक दर्शन हो जाएगा आपको यदि ज्ञान का आनंद लग रहा है तो। ठीक है पंडित जी, आज का प्रवचन बहुत बोर है, नींद आ रही, तो नींद का आनंद ले रहे हो? वो समय भी ज्ञान ही। चौबीस घंटे किसकी अनुभूति चल रही है? ज्ञान की ही। पूजा करने में बहुत आनंद आया, काय का आनंद आया? ज्ञान का। ज्ञान नहीं होता तो पूजा में क्या करते थे? बोला,
जितना अनुभूति है, जितनी अनुभूति ज्ञान की अखंड अनुभूति है, ये कोई खंडित नहीं होती, बाकी सब खंडित हो जाती है। इसलिए लिखा है इंद्रिय ज्ञान खंड खंड है, इंद्रिय के विषय भी खंड खंड है, लेकिन अतीन्द्रिय ज्ञान की अनुभूति वो अखंड है। तो सब फिर अतीन्द्रिय ज्ञान करना है कि नहीं करना है, ये समझ जाओ, यही अतीन्द्रिय ज्ञान कहलाएगा जी के, समझ जाओ मान लो तो यही ज्ञान अतीन्द्रिय ज्ञान कहलाएगा। और यदि तुम नहीं मानोगे नहीं समझोगे तो वो खंड खंड तो होगा, विचार खंड खंड नहीं हो रहा, तुम खंड खंड अनुभव कर रहे हो। क्या बताएं पंडित जी, जब लड्डू की याद आती तो बहुत मजा आता है, नोट की याद आती तो और भी मजा आता है, और पत्नी की याद आती तो बहुत दुख होता है जी। खंड कर दिए तीन, तुमने तीन खंड कर दिए ज्ञान की। सुनो, ज्ञान में लड्डू का आनंद नहीं आता, पैसे का आनंद नहीं आता, पत्नी का आनंद नहीं आता, मात्र आनंद आता है। दृष्टांत देता हूँ, बिना दृष्टांत की बात समझा नहीं सकते हम आपको। सुनना दृष्टांत, तुम दे दो, तुम दे दे दृष्टांत सुन मेरे। आपका मूड अच्छा हो तो पत्नी भी अच्छी लगती है, मूड अच्छा हो तो मिठाई भी अच्छी लगती है, मूड अच्छा हो तो टीवी भी अच्छा लगता है, मूड अच्छा हो तो फालतू का घूमना भी अच्छा लगता है, फालतू का घूमना, मूड अच्छा हो तो फालतू के खर्चे भी अच्छे लगते हैं। मूड अच्छा होना चाहिए। अब मूड खराब है तो जो फायदे की चीज है ना, फायदे की चीज ग्राहक तक अच्छा नहीं लगता। चल तुम जाओ यार, दिमाग खराब नहीं करो, नहीं बेचना हमें, नहीं बेचना हमारा माल, नहीं बेचना, जाओ। देखो कैसे मूड खराब हुआ तो ग्राहक अच्छा नहीं लगता, मूड खराब हुआ तो मंदिर जाना अच्छा नहीं लगता, मूड खराब हुआ तो पत्नी हलवा खिला रही बढ़िया मूंग का नहीं बादाम का, क्योंकि खराब मूड हो तो बादाम का खिलाना चाहिए, तो बादाम का बना के लाई बढ़िया घी डाल के बढ़िया उठा फेंक दिए, मर जाने दे मेरे को, तो मर तो तुम रह ही हो, फाइनली एक दिन मर ही जाओगे, अभी तो हलवा खा लियो, नहीं खा तरावट आ जाएगी, हमारे कहते तरावट आ जाएगी दिमाग को थोड़ी सी, खा लो घी वगैरह थोड़ा सा, मूड खराब है तो आपको हर चीज मिल जाएगी। इतनी सी बात समझ में आया तो मजे मजा आ जाए। आप मूड की सेवन कर रहे थे, फिर मूड की सेवन करो ना, काफी चक्कर पड़ रही है। मूड अच्छा नहीं लगा रहे ना, दुनिया में क्या चीज अच्छी लगती है। पति पत्नी जम के झगड़ा हुआ, अब वो सारा करोड़ रुपए कमाता था, तो उसे बड़ा ईगो था कि पत्नी करोड़ रुपए देख देख के खुश होगी, मेरा हस्बैंड करोड़ कमाता है। और पत्नी को उसने आखिरकार एक दिन कह दिया, तुझे मेरी कीमत नहीं आती, मैं एक करोड़ कमाता हूँ, इतना टैलेंटेड हूँ, यूनिवर्सिटी में टॉपर था, सारे दोस्त मेरा लोहा मानते थे, सारे प्रोफेसर मेरी तारीफ करते थे, चूल्हे में गए तुम्हारे एक करोड़, और इतनी आग लगी, देखो मेरी 25 साल की तपस्या, इसकी एक बाणी से बम विस्फोट हो गया, पूरा परमाणु में पटक दिया, एक बाणी में। उसी समय समझ लो गुस्से में हुआ, अब खाने चीज अच्छी नहीं लगेगी, बता पत्नी, उसी समय वो मार्कशीट लाई, जे है तुम्हारी मार्कशीट, हमें बताओ जे है गोल्ड मेडल ले, कौन सी क्यों क्यों फाड़ देगा भैया, जब मूड खराब होता है तो हर चीज खराब लगती है। आपने देखा वो कई बार बहुत दुखी होता है मूड खराब होने के बाद, मूड सही हो जाता है क्यों? आजकल गुस्से हैं, मैंने जो नई कल्चर के बच्चे हैं ना, ये बड़े खतरनाक है, जैसे जैसे हुंडा सर्व नहीं आ रहे ना, तो मात्र सब्जी खराब नहीं आ रही मार्केट में, गेहूं खराब नहीं आ रहे, बंगले भी खराब आ रहे, लड़का भी खराब आ रहा है, जमाई भी खराब, सब खराब ही खराब आ रहा है, उनका प्रोडक्शन ही खराब होता जा रहा है। बहु भाई गुस्सा आया था एकदम, जो हाथ में वही दे मारा, तोड़ दिया फोड़ दिया, एक गजब, फिर तोड़ने से क्या हो जाता, फिर बाद में पछता रहे यार, उसमें हमारे नंबर थी मोबाइल की, उसमें हमारा सेव था कोई आइटम जो भी कैसी, अब छोटा मोबाइल पानी टंकी भर दिया, अब वापस आ गया 20,000 का था, अब रो तेरा 20,000 के लाए, तो तोड़ना फोड़ना कोई रास्ता थोड़ी है, आग लगा दी, आग लगाने से क्या हो जाएगा, सड़क पर रेल हो गया, तुम आत्महत्या कर ली, आत्महत्या करने से क्या हो जाएगा, ध्यान रखो मैं तुम सबसे कह रहा हूं बेटे, और कोई से नहीं कह रहा, तुम लोग कह रहे हो, यदि ऐसी कोई क्रोध आता हो, ऐसा विचार आता तो विचार तो करो,
तो मूड का आनंद लेते हो कि वस्तु का आनंद लेते हो? और वस्तु के चक्कर मूड और खराब कर लिए तुमने, तुम गाली गलौज करके देखो आज, फिर कर मूड अच्छे हो जाए, करो सामाजिक गाली गलौज के बाद। इसलिए चढ़ना नहीं होता, सदा मूड का आनंद लेते हो या द्रव या नहीं हो, और मूड खराब होने से बचाओ ये चढ़ना नहीं। क्या कहा? सदा मूड का आनंद लेते हो, ज्ञान स्वभाव का वेदन करते हो, ज्ञान अनुभूति करते हो, अपने ही आनंद लेते हो ज्ञान का, ये चढ़ना द्रव्य नहीं हो, और इसलिए अपने मूड की रक्षा करो। चढ़ना नहीं उससे मोक्ष नहीं होता, चढ़ना नहीं उससे संबंध लेना नहीं होता, पानी छान के पीने से कोई संबर नजरा नहीं होता, एक इतना सा भी कर्म की नजरा नहीं होता। तो फिर क्या होता है कि तुम्हारा मूड ठीक रहता है पानी छान में, है इसका क्या संबंध है ना? तो खा के देख लो दो पांच साल पिज्जा पिज्जा जी काका बाजार के साथ, फिर जब तुम पेट में खड़ा हो गए तो तुम्हारा मूड अच्छा रहेगा? तुम आज रात भर टीवी देख ली, रात भर मोबाइल चला ली, वीडियो गेम खेल ली, चरणा जी का पालन मत कर, फिर दूसरे प्रोजेक्ट सुन के बता बता कितना मूड ठीक रहेगा तुम्हारे। और फिर पत्नी से चिक चिक हो जाएगी, क्योंकि रात भर जगे हो तुम मोबाइल खेलने से, गर्मी चढ़ गई। पत्नी धीरे से बोली, जब नीचे से पानी लिया, मैं क्या तुम्हारे बाप का नौकर हूं, तेरे बाप ने मुझे खरीदा नहीं, ले बाप तक पहुंच गई बाड़ी। अब वो बोली, सुनो हम तक जा रहे थे तो ठीक है, लेकिन अब जी मुकदमा आगे बढ़ गया, फौरन मोबाइल उठाया। आप क्यों स्ट्रेस खत्म हो गया? हम पहले ही कह रहे, हाँ बोलो, दो पॉइंट कौन कौन से बोले थे? द्रव्य नहीं हो, चढ़ना नहीं हो, हम मूड का ही आनंद लेते, माने ज्ञान स्वभाव का आनंद लेते, मूड माने ज्ञान का, हम ज्ञान स्वभाव का ही 24 घंटे आनंद ले रहे हैं, अनुभूति हो रही है, उसे गेहूं की जरूरत नहीं है, द्रव्य नहीं हो गया, अब गेहूं की जरूरत नहीं, इसलिए गेहूं से बचो ताकि मूड ठीक नहीं, मूड ठीक रहेगा, मूड खराब नहीं होगा, चढ़ना नहीं होगा, बस खतर चाय जैसा मत खाओ, बीमार हो जाओगे, मूड खराब बना रहे, क्रोध करोगे मूड खराब हो जाएगा, नुकसान होगा फिजिकली वो अलग और इधर अलग नुकसान होगा। दिगंबर मुनिराज क्या करते हैं, बाहर में आहार नहीं मिला, नो टेंशन, अपने मूड का आनंद ले रहे, मुझे नहीं मिला तो किसको नहीं मिला, मेरा चेतन ने आहार मुझे मिल रहा है, मुझे ज्ञान आहार मिल रहा है, मुझे अतिंद्रिय आनंद का आहार मिल रहा है, इसको नहीं मिलना तो हम क्या करें, हम क्या करें बताओ, इसको जरूरत है नहीं मिल रहा तो हम क्या करें, फिर भी ये प्रसन्न रहते हैं ना तो अभी ये शरीर चलता ही रहता है, उन्हें भी पता है भोजन से शरीर नहीं चलता, इसलिए मस्त रहते, किस दिन भोजन कहाँ मिलेगा आहार वो सब पता है, कोई टेंशन नहीं, तो अपने में तृप्त रहते हैं इसलिए इसकी टेंशन नहीं करती। आगे बात समझ आ रही, क्या कमाल, देखो गजब, चलो आगे पढ़ते हैं। तो ज्ञान की अनुभूति है, इसलिए ज्ञान की अनुभूति ही आत्मा की अनुभूति है, समझ रही है कि समझ मजा आ रहा है, ज्ञान की अनुभूति ही आत्मा की अनुभूति, मतलब तुम्हें हो ही रही है, मैं जिसको समझ में आ जाए वो ऐसे बोले तो फिर मुझे हो रही है पंडित, मुझे आत्मा अनुभूति हो गई, ऐसे ऐसे खुश होकर समझेगा कि समझेगा, तो अभी हाँ हाँ ठीक है लिखा है, ज्ञान की अनुभूति आत्मा की अनुभूति, पंडित जी कोई उपाय बताओ अनुभूति का, और इसी जैसे क्या कर रहे थे, नहीं नहीं वो तो कॉमन है, वो तो कॉमन है, स्पेशल बता लिखा है ना, प्रति समय, इसलिए ज्ञान की अनुभूति ही आत्मा की अनुभूति है, आत्मा का रंग रूप की अनुभूति थोड़ी होगी, आत्मा कौन से रंग का है, आत्मा कितना हल्का भारी है, आत्मा कितना लंबा चौड़ा है, ये ज्ञानी गुण तो है, ज्ञानी गुण, बाकी और कौन से गुण से पहचाना जाता है आत्मा, ज्ञान गुण से, तो ज्ञान तो समझ तुम्हें आ ही रहा है, जाननहार है कौन, वही तो तुम, अब उसकी अनुभूति अपनी अनुभूति बस, तो पंडित जी आज सम्यक दृष्टि मान ले, आत्मा नहीं मान सके जी, बढ़िया नहीं, आत्मा तो कह रहा माना थे, इसका मतलब तुझे पर्याय कर रहा है, अभी भी तुझे लगता है पर्याय इजिकल टू मैं और मैं इजिकल टू पर्याय,
सम्यक दर्शन के बिना आत्मा क्या हुआ है? हम पूछ रहे हैं, आत्मा ही नहीं होता तो सम्यक दर्शन किसके बल पर होता? अभी ऐसा लगता पंडित जी, कौन सा वो धन्य दिन हुआ जब मैंने सम्यक दर्शन हुआ? कौन सा दिन हुआ बता, तुम्हें बता दो कब हुआ? हमें तो बता चले, जब तुम्हें ये समझ में आ जाए कि 24 घंटे ज्ञान की अनुभूति ही हो रही है, योग की अनुभूति नहीं हो रही, पदार्थों की अनुभूति नहीं हो रही, नहीं हो रही और हो भी नहीं सकती, तब तुम्हें ऑटोमेटिक जगत से विरक्तता आ जाएगी। ऑटोमेटिक लगे हमें कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। उपवास किया कभी? उपवास किया हमने? आप लोगों ने उपवास किया कभी? दोपहर में सो के देखो आप उपवास के लिए, तो जो आपकी फेवरेट चीज होगी ना वो सपने में आ जाएगी, नहीं अपने आप नहीं जाएगी। तो उस समय आपने मिठाइयों का स्वाद लिया कि ज्ञान का स्वाद लिया? उस समय रसगुल्ला देखा था सपने में, तो रसगुल्ले का स्वाद था, तो किसका किसका स्वाद था? इसको समझाने के लिए मैं ऐसा समझाता हूं, टेलीविजन पर आइसक्रीम दिखा रहे थे, बच्चों की पिक्चर थी, बच्चों की पिक्चर, उसमें आइसक्रीम फुल पर्दे पर आइसक्रीम दिखाई जा रही थी, तो वो इतनी 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 हूबहू लग रही थी कि मानो ये रही, और बच्चे के मुंह में पानी आ गया, छोटे से बच्चे, छोटा सा बच्चा था, उसके मुंह में पानी आ गया, अब बच्चे को मोबाइल क्या नाम आइसक्रीम दिखे, खाने का उत्साह नहीं आया, ऐसा तो नहीं हो सकता, तो उसे तो ये लगा ये नहीं हुआ मोबाइल को, क्या कहना मोबाइल नहीं बार बार कह रहा हूँ, टेलीविजन पे वो आइसक्रीम, तो घुटने घुटने चल के आया और उसने उसमें जीभ लगाई, क्या क्या टेस्ट आया उसे? अब बच्चा तो एक बार गलती करेगा, जब उसे उसमें आइसक्रीम का स्वाद नहीं आया तो वो समझ गया, वेद विज्ञान कर लिया कि यहाँ आइसक्रीम नहीं है। तुम क्या कर रहे हो? कितनी बार तुमने विषयों का आनंद लेने की कोशिश करी, वो आया का आया नहीं, वेद विज्ञान नहीं कर पा रहे कि जो आनंद था वो ज्ञान का ही था, वो तुम्हारे में ही था, बाहर नहीं था। फिर तो एक काम अभी यार बता चुका हूँ, दर्शन लंबा नहीं करना चाह रहा, बताओ ऐसी वस्तु का नाम बताओ जो तुम्हें दुख के काल में प्रसन्न कर दे, एक आधा आइटम बताओ कोई सी, सोना चांदी हीरे भोजन कोई भी चीज बता दो आप दुख के काल में सुखी कर दे, सुना ये ज्ञान के सिवा कोई तुम्हें आनंद नहीं दे सकता। तो ज्ञान की महिमा, तो ज्ञान की अनुभूति तो हो ही रही थी, करना नहीं है, हो ही रही थी, वो तो अनुभूति है। आगे देखो, क्योंकि शब्द ज्ञान नहीं आगे नीचे, परंतु अब यहाँ सामान्य ज्ञान के आविर्भाव प्रकट बना और विशेष ज्ञान विशेष ज्ञाकार ज्ञान के तिरोभाव से जब ज्ञान मात्र आत्मा का अनुभव किया जाता है तब ज्ञान प्रकट अनुभव में आता है, तथापि जो अज्ञानी है जीव में आसक्त हैं, उन्हें वह स्वाद में नहीं आता। यह इस प्रकार दृष्टांत देते हैं, आगे दृष्टांत देंगे, दृष्टांत पता ही होगा सबको, पढ़ भी सकते तो पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत पढ़ ले पहले, चलो पढ़ लेता क्योंकि अब देखता हूँ घड़ी है ना, जितना समय रहेगा उतना चलाऊंगा, शाम को एक घंटे चलाएंगे इसका, मिल रहा है। जैसे अनेक प्रकार के साकादि भोजनों के संबंध से उत्पन्न सामान्य लवण के तिरोभाव और विशेष लवण के आविर्भाव से अनुभव में आने वाला जो सामान्य के तिरोभाव रूप और साकादि के स्वाद ऐसे भेद से भेद रूप विशेष रूप लवण है, उसका स्वाद अज्ञानी साक लोलुप सब्जी का लोलुप मनुष्य को आता है, किंतु अन्य की संबंध रहितता से उत्पन्न सामान्य के आविर्भाव और विशेष के तिरोभाव से अनुभव में आने वाला जीविका कार अवेद रूप लवण है, उसका स्वाद नहीं आता, और परमार्थ से देखा जाए तो विशेष के आविर्भाव से अनुभव में आने वाला लवण ही सामान्य के आविर्भाव से अनुभव में आने वाला लवण है। दृष्टांत लंबा करके पढ़ लिया, एक पैराग्राफ पढ़ लिया, अब मैं इसे समझा देता हूँ, तो अब सरल है समझाना, मुझे सरल है भाषा थोड़ी सी,
क्योंकि तो भाषा आपकी रोज आती नहीं लवण। मैं सरल भाषा में समझाता हूँ, देखो कभी तुमने खारी दाल खाई? खारी दाल खारी सब्जी खाई? खारी सब्जी। खारी रोटी खाई? खारी रोटी खाई। अब मैं फिर से पूछता, तुम रोजाना कितना नमक खा लेते? एक महीने कितना नमक खा लेते? बोलो। चलो कटेंद्र और सर, एक महीने कितनी शक्कर खा जाते तुम लोग? बोलो जल्दी। नहीं समझ में आ रहा? अब नहीं समझ में आ रहा, मैं समझाता हूँ। एक शक्कर खाने की स्टाइल तो वो है जैसे बच्चे खा लेते मुट्ठी भरी और खा ली, इधर से शक्कर तो तुम नहीं खाते। लेकिन बच्चे से पूछा जाए तुमने कितनी शक्कर खाई? हैं भगवान का हमने नहीं खाई, क्योंकि वो मुट्ठी में भर कर खाता था ना चोरी से, वो उसे शक्कर खाना समझता है। बच्चे से पूछ के देखो, क्यों तुमने आज शक्कर खाई? मना कर दिया, भगवान का नहीं खाई। अच्छा अब मैं फिर से पूछ रहा, तुम तो समझ जा रहे हो, तो 5 किलो शक्कर गई का महीना भर की नहीं खाई तो? अरे बोलो, खाई कि नहीं खाई? जल्दी बोलो। अब दिक्कत ये है कि अपन डायरेक्ट शक्कर खाने को तो खाना मानते हैं, लेकिन मीठी खीर खाई, मीठा दूध पिया, मिठाइयां खाई, लड्डू खाए, रसगुल्ला खाए, आम के रस में शक्कर डाल के मीठा मीठा रस पी गए, जी तुम्हें लगता है शक्कर खाई? अब हम पूछ रहे, सारी मिठाइयों में सामान्य कौन है? बताओ, सारी मिठाइयां 50 तरह की मिठाइयां, उनमें टेस्ट बढ़ाने वाला, आकर्षण पैदा करने वाला, अट्रैक्शन पैदा करने वाला, आपको प्रसन्न कर देने वाला, ये कौन सा तत्व जो सब में मौजूद है? ये सामान्य। अभी तुम क्या कहते हो, बेसन का लड्डू बहुत टेस्ट है, आटे का लड्डू भी टेस्ट है, और गाय की बर्फी क्या कहलाती है, काजू कतली बहुत जोरदार, और बादाम पाक जोरदार, बेचारे उसका कोई नाम ही नहीं ले रहा। यदि मैं चंपा के पराग में कहानी लिखता तो ऐसी लिखता, तो एक बार शक्कर नाराज हो गई, कोई हमारा नाम ही नहीं ले रहा, जो लेके सर कह रहे मीठी मीठी सर रसगुल्ला, तो उसने जाने से मना कर दिया, स्ट्राइक। अब क्या करे, स्ट्राइक भी चली गई शक्कर बेचारी, तो रसगुल्ला बनाए गए घर में, तो शक्कर तो स्ट्राइक पर गई, तो बिना शक्कर के रसगुल्ले बने, फिर बिना शक्कर की खीर बनी, फिर बिना शक्कर के लड्डू बने, सब आइटम बिना खीर, सारे दिल्ली के मेहमान आए, सबको परोसे गए, सब खा के है आटे का लड्डू खाना बिना शक्कर का आए, तब तो मैंने शक्कर की महिमा आई। खाना कोई सा भी आइटम समझो बिना शक्कर का, मैंने सब कह रहे, जलेबी बहुत बढ़िया, इस दुकानदार की जलेबी, और इस दुकानदार की वो क्या बर्फी बालू सारी, और इसकी दुकान की वो इमरती बहुत जोरदार, सबके गीत गाए, और बेचारे जो ज्ञान सामान्य भाई कोई बात ही नहीं करता, मतलब शक्कर सामान्य जिसके बल पर मिठाइयां बनती हैं, उसको कोई पूछे ही नहीं रहा, ये है मिथ्या, इसका नाम है विशेष का अनुभव। अभी तक तुम्हारा क्या हो रहा है, अब विशेष का तिरोभाव कर दे और सामान्य का आविर्भाव कर दे, सामान्य का आविर्भाव। 24 घंटे आपने जितना आनंद लिया ना 5 इंद्र के विषय भोग में, वो शक्कर की तरह तुमने ज्ञान का आनंद लिया है। यदि ये बात समझ में आ जाए तो तुम पत्नी की महिमा चली जाएगी, चरणारियों को नहीं जाएगी, चिंता नहीं करनी, व्यस्त भूमिका में जब तक रहोगे भले ही रहोगे पत्नी बच्चों के साथ, अंदर अंदर समझ में आ गया आनंद इसमें से नहीं आया, आनंद ज्ञान का था, आनंद बच्चों में से नहीं आ रहा इसमें से आ रहा था, इस हर चीज बस इसी में से मुनिदस आ जाएगी, एक विज्ञान घन हो जाएगा, मुनिदस आ जाएगा, काय रीति भी चाहिए, आफत लगेगी तुम्हें आफत। डॉक्टर साहब ऐसे दृष्टांत दे दें, दृष्टांत देकर समझा, 10 लक्षण धर्म में दृष्टांत दिए, 5 इंद्रिय के विषय, तो ये 5 इंद्रिय का दृष्टांत दिया, 5 इंद्रिय माने
एक सेठ है, उसके पास पांच पांच टेलीफोन। तो पुराने जमाने में उसे बड़ा आदमी मानते थे, भैया पांच पांच टेलीफोन, एक मिनट फुर्सत नहीं मिला, हलू 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 हलू, और लगे चैन दिन भर, क्यों कितना बड़ा आदमी है। बोलो कितना बड़ा आदमी लग रहा है। अरे भैया उनके कमरा में जाओ, मोबाइल मोबाइल फोन ही फोन लगी, धन धन धन, कोई इंटरनेट और कंप्यूटर और बहुत पैसे वाले हैं, बहुत पैसे वाले की दुखी। तुम्हें परिभाषा से पता है दुख और सुख की? बता। अब दृष्टांत बदलता हूं ना, अभी तो तुम्हें सुख का दृष्टांत था, तुम्हें सुख लगता है, मुझे तो नहीं लगता। अब तो कुछ दिन बाद मैं कहूंगा भैया मेरे कमरे में कोई याद मोबाइल लेके बताया। उन्होंने एक प्रश्न पूछा, पंडित जी इसका प्रश्न समाधान, इतने में मोबाइल आ गए, हम बोलने शुरू हुआ बाहर चले। समझ ना भैया, कोई आ जाए तो कहते हैं मोबाइल चप्पल की तरह बाहर रखो। मैंने बोल बोला कि तुम हमसे बात करने आए, पूछ रहे क्या, एक कोई बात पूछी हम जवाब देने को, अब हम इंतजार कर रहे हैं बात खत्म हुई, 15 मिनट टेंटे कर रहे हैं, हम इतनी स्वादिष्ट गई हमारी, समझ ना, कहते हैं सर हमसे बात करो, कल मोबाइल त्याग करके ऑफ कर ली, तुम जो दिखाए से करो, बहुत बुरा लगता है देख कर, ये दुख है। मैं दूसरा रिश्ता देता हूँ, अभी समझ में कुछ नहीं आया, अभी तो आपको यहाँ लगता है बहुत मोबाइल चलाते हैं, बहुत फोन लगाते हैं और इंटरनेट कंप्यूटर, और पंडित जी उनके घर में बड़े सुख हैं, सुख है बहुत, ऐसे ऐसे आइटम है, हम इसे दुख कह रहे। अब हम दूसरा रिश्ता दे रहे, एक अपनी लड़की के लिए लड़का चाहिए है, बहुत अच्छा लड़का, करोगे शादी? बोलो तो बता सब लड़के की विशेषता। लड़के की विशेषता जो है कि उसको बहुत साउंड वाली मशीन लगानी पड़ती है सुनने के लिए, दोनों कान में सुन लेता है बहुत अच्छे से, मशीन से सुनता है वो, और नाक में एक मशीन लगाता है उससे स्मेल का डिफरेंस कर पाता है वो, नहीं तो एलपीजी का पता ही नहीं लगे बेचारे को, तो ऐसे लगाता है वो मशीन, तो एलपीजी लाल मिर्ची का सौंप ऐसे सब उसे तब पता लगता है। और जिब्बा में यहाँ पर एक इंस्ट्रूमेंट लगा हुआ है अंदर, जब वो खाता है ना तो उसके दांत नहीं है, तो अंदर एक इंस्ट्रूमेंट लगा है, बटन दबाता है तो मिक्सी पीस जाती है, एक बटन दबाता है तो अंदर चला जाता है, फिर एक बटन दबाता है तो भोजन निकलता है, मतलब मलमूत्र निकलता है, फिर चलते समय के लिए बाकायर है उसके पास, बढ़िया अच्छी कंपनी का बाकायर है, वर्ल्ड का नंबर वन कंपनी, नामी ग्रामी इम्पोर्टेंट वो है, और हाथ उठाने के लिए बटन दबानी पड़ती तब हाथ उठते, कितना बढ़िया है आदमी को, ये काम करने के लिए इतना डिपेंडेंट, क्यों ये दुखी का लक्षण है कि सुखी का लक्षण? अब तुम्हारे घर में जितने जी परिग्रह है ना जी, तुम्हारे दुख के लक्षण है जी, क्या बताएं पंडित जी, दुनिया में किसी घर चला रहा मुझे नींद नहीं आती, बस मेरा ही गद्दा स्पेशल है, मेरा ही तकिया स्पेशल है, दूसरा तकिया रख लू तो नींद नहीं आए डोर। अब तेरे दुख के पार वार नहीं होंगे, तू दुनिया में कहीं जाएगा और तुझे तकिया ले जाना पड़ेगा, या तो और नहीं तो अपने तकिया की याद आएगी, अपने गद्दा की याद आएगी, अपने कमरा की याद आएगी, क्या बता पंडित जी, वो भोजन करते समय मुझे वो कपड़ा लटकाना पड़ता है, वो ऐसी चम्मच चाहिए पड़ती, ऐसी वो चाहिए पड़ती, ऐसी वो चाहिए पड़ती, ऐसी वो, इसके बिना मुझे भोजन करने में मजा नहीं आता। अब सोचो तुम ये पांच चार संस्कृति के चक्कर में कितने सुखी हो गए, ईमानदारी से कहो, मेरे से पूछो तो तुम्हारे घरों में सत्यानाश हो गए। मैं कह रहा था भैया सर, अपन भैया दिल्ली विल्ली आना बंद कर रहा है, कोई काम की नहीं जगह, रियली बड़ी बुरी हालत है, घर घर की भजीते हैं, और उसे अपन मॉडर्निटी मान रहे, मॉडर्निटी बता, जो अपन कमरा है वो बढ़िया, वो बाहर डस्टबिन रखी है उसमें गंदगी सड़ रही, बदबू आए, मच्छर हुए, कीड़े हुए, जीव जंतु हुए, नीचे से ऊपर सीढ़ी में जाके देखो गंदगी गंदगी, मतलब तुम्हें अपने कमरे से प्यार है और बाहर निकलते नहीं, नाक बंद करते
जी जी कैसा करेगा, घर के अंदर सफाई कौन करेगा, बाहर कौन करेगा? नहीं जी, तो मॉडर्न चीज हो गए, फिर दवाइयां खाते फिर बीमारियों की। थोड़े बहुत कह रहे अभी, मैंने हम छत पे जाते हैं, मैं तो जाता हूँ, मेरे तो छत की आदत है, छत पे जाते हैं, चारों तरफ नजर फिरा के देखो कोई छत पे नहीं, खिड़कियां भी बंद, दरवाजे भी बंद, फला भी बंद, कहीं एसी वाले आदमी जा रही। हमें ये लगी थी दया आती है कि छत पर सोने का सुकून, ऊपर चांद देखने का और तारे देखने का सुकून, रात में टिमटिमाता हुआ हवाई जहाज जाता है, कैसा बढ़िया लगता है। यदि हम आपसे कैलेंडर ना हो पूछे क्यों भैया कृष्ण पक्ष चल रहा है कि शुक्ल पक्ष, कछी वादा बता दी पंडित, चांद निकलता है रात को बंबई के लोग पूछे चांद निकलता है रात को, हमने कभी देखा नहीं, लेकिन वो कभी पहाड़ों पे होते हैं, कभी जंगलों में होते हैं, किसी गांव में होते, तब कहते चांद कितना सोवर, कितना सुंदर, और फिर उनके पास मोबाइल होते, फिर अपने घर में जाकर बच्चों को दिखाई, देख बेटा आकाश में चंदा कितना सुंदर होता है, बंबई में नहीं होता बेटी, ऐसी नरक जैसी जिंदगी। मैं तो ये कहना चाहूँ पांच निजी विषय भोग में जितने जितने आप पराधीन हो गए वो तुम्हारा दुख है। दिगंबर मुनिराज का सुख क्यों हुआ था, अरे देह मजबूरी में संग है, देह मजबूरी में संग है, इसलिए नग्न दिगंबर है, हमें इसके ऊपर आवरण डालने की भी फुर्सत नहीं है, न जरूरत है, न कोई सामग्री चाहिए इसको सुखी करने के लिए, आत्मा को सुखी करने के लिए, न इसे फैसिलिटी चाहिए, न मुझे सुखी होने की सामग्री चाहिए, क्यों मैं ज्ञान सामान्य का वीरन कर रहा हूं। बस अंत में घड़ी देख ली, टाइम हो गया, कभी कोई अच्छी खुशखबरी होती है, कोई आता है बच्चा हुआ पास हो गए, कोई बात हुई या कोई रिश्ता हो गया लड़का लड़की का, भाई मिठाई लाओ, अब घर में कोई मिठाई रखी थोड़ी थी, पहले तो पता था नहीं तो मिठाई तो थी नहीं, क्योंकि आपको पता है गांव में आज भी भैया मिठाई ला, कुछ नहीं था, गुड़ की डल्ली ले आए और एक लाख पानी ले, ले भैया मिठाई खाओ, मुंह मीठा करो, है मिठाई तो है ही नहीं जी, आप होते ज्ञान सामान्य अच्छा नहीं लगा, मैंने जिस जिस गुड़ से शक्कर से मुंह मीठा होता है, हर चीज मीठी होती है, ए हमने सोचा तुम कुछ जलेबी वलेबी ला रहे, हमें सोच तो कसी मर्दी ला रहे, कसी लड्डू ला रहे, सही बता ना, गुड़ मिठाई लगती है जी, हमें ध्यान जिस मिठाई से सब मीठे होते वो तो तुम्हें मिठाई नहीं लगती, और जिससे वो सब मीठे हुए भी अच्छे लगते, ऐसा है ज्ञान सामान, और वो इसकी चर्चा हम रात को अभी करेंगे। ओम नमः शिवाय।